न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार लक्ष्य से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। धान खरीदी के करीब डेढ़ महीने बीतने के बावजूद भी सरकार 44,57,000 मीट्रिक टन की ही खरीदी कर पाई है, जबकि सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, जबकि धान खरीदी के लिए 15 फरवरी तक का ही समय शेष बचा है। ऐसे में भाजपा धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि शनिवार और रविवार को धान खरीदी ना हो पाने के कारण सरकार के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस साल किसानों का धान नहीं बिक पा रहा है। सरकार ने पिछले 3 टोकन की लिमिट तय की थी, तो वहीं मंत्री परिषद की उपसमिति ने चौथी बार भी टोकन जारी करने की सहमति जता दी है, लेकिन सोसाइटी तक यह आदेश नहीं पहुंचा। साथ ही उन्होंने यह भी कहना है कि इस बार किसानों का भुगतान भी देरी से हो रहा है। किसानों के भुगतान को लेकर लगभग 8 से 10 दिन तक का समय लग जाता है। किसानों ने टोकन सिस्टम से धान खरीदी बंद करने समेत अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गाड़ाडीही खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधक के विरुद्ध जमकर मोर्चा खोला, जिसमें धान खरीदी के लिए प्रतिदिन बनाए जा रहे नियमों का विरोध काफी किया गया। गौरतलब है कि सरकार ने धान खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने की घोषणा की थी। यही कारण है कि किसानों ने धान की खेती को लेकर काफी प्राथमिकता दी, लेकिन सहकारी समितियों से धान का उठाव काफी धीमी गति से हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 15 जनवरी तक 19,89,000 मीट्रिक टन ही धान का उठाव हो पाया है, जबकि धान की खरीदी 2 गुने से अधिक हो चुकी है। डोंगरगढ़ से समाचार एक्सप्रेस के लिए प्रणव अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौड़े की रिपोर्ट। आपके संग्रहण केंद्र में उठाव की क्या स्थिति है? अभी हमारे यहाँ उठाव तो नहीं हो रहा है, अभी हमारे यहाँ आवक हो रहा है। क्या स्थिति है उसकी? आवक अभी ठीक है, स्थिति आवक का। कितनी आवक हो चुकी है अभी तक? आज तक का डेट में आवक हो चुका है 10,000 बोरा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।